गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर चैनल कोहली ट्रांसफॉर्मेशन। आज यार सारे सेशन खत्म, मौसम हो रहा है बढ़िया, वर्कआउट भी हो गया मेरा, तो अभी कू का फोन आया कि पापा कहीं घुमाने ले जाओ क्योंकि उसका रिजल्ट आया बहुत अच्छा। अब होगी है वो 8th क्लास में। तो पहले तो डिस्कस करते रहे कि कहाँ पे चलें, फिर इनका प्रोग्राम बना है सरोजनी नगर मार्केट जाने का, वहाँ शॉपिंग करने का। लड़कों का तो कुछ मिलता नहीं है खास वहाँ पे, मुझे खिलाएंगे धक्के। मगर अब यार उसे प्रॉमिस था कि रिजल्ट आएगा तो मैं कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाऊंगा, मगर अभी इसका और इसकी मम्मी का मन है यहाँ जाने का तो कुछ कर नहीं सकते। तो चलते हैं सरोजनी नगर मार्केट। अब मैं जिनसे निकला हूँ इनको पिक करता हूँ और फिर चलते हैं सरोजनी नगर मार्केट और आपको दिखाता हूँ कैसी है मार्केट, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर और किस रेट पर मिलती हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत सस्ता, मतलब गारमेंट बहुत सस्ते मिलते हैं वहाँ पे। सस्ते मतलब लिटरली सस्ते, आप सोच भी नहीं सकते और आप हैरान हो जाओगे कि यार इस रेट पे ये मिल गया। तो चलते हैं, इनको पिक करता हूँ और चलते हैं आगे। बस गाइस ये पहुँच गए हम लोग सरोजनी नगर। ये देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट है और यहाँ पे आप देखते चलो कि कैसा कैसा कितना सस्ता मिलता है यहाँ पे सब कुछ। ये देख लो कुर्ती 350 रुपीज़, तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो आप यहाँ पे किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। अभी टाइम हुआ 12 o'clock, तो आप यहाँ पे देख लो कि किस हिसाब से यहाँ पे क्राउड है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये देख लो यार जेंट्स का तो बहुत कम मिलता है यहाँ पे, मगर फीमेल्स का इतना रीजनेबल रेट पे मिल जाता है ना यहाँ पे, कुछ कहने की हद नहीं है, मस्त। गाइस ये इन लोगों ने कर दिया शॉपिंग स्टार्ट यहाँ पे, ये अभी फर्स्ट शॉप में घुसे हैं तो यहाँ पे कम से कम इन्होंने 8-10 चीज़ें तो ले ली हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं कहाँ पे जा रहे हैं और क्या ले रहे हैं। एक्चुअली ये है गाइस मार्केट, वो तो स्टार्टिंग थी। ये देखो क्राउड देख रहे हो, अभी 12:30 हुए हैं और यहाँ पे क्राउड देखो आप, मतलब फीमेल्स की शॉपिंग के लिए तो बेस्ट प्लेस है ये। किसी भी शॉप पे चले जाओ आपको 200-250 रुपये की टी शर्ट मिल जाएगी, जीन्स मिल जाएगी 500-600 रुपये की, निकर स्कर्ट्स ये सब मिल जाएंगी आपको मेरे ख्याल से 200-250 रुपये की, इतना सस्ता और कहाँ मिलता है। अब ये तीसरी शॉप पे घुसे हैं यहाँ पे, यहाँ से देखो क्या ले रहे हैं। ये अब मेरे ख्याल से चौथी या पाँचवीं शॉप पर घुसे हैं ये, और यहाँ से इन्होंने स्कर्ट निकर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये देख रहे हो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और धड़ाधड़ शॉपिंग चल रही है इनकी, फुल स्टॉप लगने का नाम ही नहीं है। वो देखो छोटा के हाथ में कितनी सारी चीज़ें हैं, मस्त शॉपिंग चल रही है इनकी यार। यहाँ देख रहे हो गाइस कितनी भीड़ है, और वो श्वेता कू वगैरह सारे घूम गए हैं, मेरे को मिल ही नहीं रहे, 10 मिनट हो गए मेरे को ढूंढते हुए, पता नहीं कौन सी शॉप में घुस गए हैं, कहाँ पर हैं, मिल ही नहीं रहे मेरे को यार। इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ मैं इनको यार, समझ नहीं आ रही कहाँ पे चले गए यार। इस मार्केट में गाइस अलग अलग तरीके से आवाज़ें लगा लगा के सामान बेचते हैं यार। मैं ये देख सुनो अगर आपको सुनाई दे रहा है तो, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइसेस, हर किसी का बोलने का कस्टमर को बुलाने का अलग तरीका है, और कई लोग तो रिदम मैच करते हैं आपस में।
ये भी देख रहे हो गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट क्लीन हुई है क्योंकि पुलिस वाले आते हैं तो ये सारा का सारा सामान अंदर कर लेते हैं। कितनी स्पेशियस हो गई है देखो, अभी पहले बंदा चढ़ा हुआ था और ये सारा खाली। मतलब यार, अगर आपने शॉपिंग करनी है, ट्रेंडी कपड़े लेने हैं, तो इससे बेस्ट मार्केट नहीं है यार। मैं सेकेंड टाइम आया हूँ यहाँ पर, फर्स्ट टाइम तो अक्कल ही नहीं थी, मगर आज मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया यहाँ पर, तो इतनी अच्छी मार्केट है ना और इतने रीज़नेबल कपड़े हैं, मैंने अपनी लाइफ में नहीं लिए कभी भी। अब गाइस ये लोग थक गए हैं यहाँ पे, तो अब इनका मन कर रहा है आई एन ए जाने का, दिल्ली हाट। तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके कुछ खाएंगे पियेंगे, और क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है, तो वहाँ जाके देखते हैं यार कि कैसा हिसाब किताब है वहाँ पे यार, और क्या खाने को मिल रहा है। वैसे ही नवरात्रे चल रहे हैं तो पता नहीं वहाँ पे क्या मिलता है खाने को। चलते हैं वहाँ पे यार, एक्चुअल में थक गए हैं यार। ये गाइस यहाँ पे पार्किंग का हाल देखो यार, ये पार्किंग है यहाँ पे, इतना बुरा हाल है बाय गॉड, मैं क्या बताऊँ आपको यार। बाई चांस की बात है आते हुए हमें पार्किंग मिल गई यहाँ पे, नहीं तो गोल गोल गाड़ी घुमाते रह जाते हम लोग। ये गाइस बस अभी पहुँच गए हम लोग आई एन ए, बस इधर से टिकट काउंटर से टिकट ले रहे हैं और फिर एंट्री करते हैं और अंदर देखते हैं। आज कुछ लग रहा है यहाँ पे कि बिहार, यहाँ पे क्या बिहार उत्सव लगा हुआ है यहाँ पे, होपफुली अच्छा ही होगा, बाकी देखते हैं कैसा है। अभी श्वेता कह रही थी यहाँ से कुछ नहीं लेंगी, आते ही यहाँ पे अभी थोड़ा सा अंदर घुसे हैं और यहाँ पे देखना शुरू हो गया। ये वाला सूट देख रही थी। हाय, मैंने लिया है ये BTS बैग, क्यों ना लेती है, जस्ट BTS। वहाँ पे और भी चीज़ें थी वीडियो की, बट ली नहीं मैंने। तो हम यहाँ आए हैं, मम्मा ने कहा तो कुछ लेंगे नहीं, एंड तक सब पता चल जाएगा क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। उनके साथ उनके दो फ्रेंड्स भी आई हैं, टूट पड़ेंगे सारे। तो ठीक है, ओके, बाय, सी यू लेटर। There is dhoop.
अब ये देखो गाइस यहाँ पे इनका ये फोटो सेशन स्टार्ट हो गया। एक कू फोटो क्लिक कर रही है, देखो कितना स्टाइल से कर रही है यार। है पिद्दी सी मगर टेक्निक है इसको, इतनी प्यारी फोटोज आती है ना। तो चलो गाइस करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।